हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 डाटा हैंडलिंग के ऊपर सॉल्व करेंगे। बार ग्राफ के ऊपर ये चैप्टर है आपका, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, 3 नंबर क्वेश्चन। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। आपको रिप्रेजेंट करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स करने हैं, ठीक है। हाउ डू यू चूज अ स्केल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने एक प्लेन पेपर में ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है पहले आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी बार डायग्राम बनाने से पहले आपका रेंज क्या है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 80 से 135 तक रेंज दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस किस क्लास के कितने। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, वो रेंज जो है 80 से 135 तक है। तो 5th क्लास में 135 है, 10th क्लास में 80 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो बार डायग्राम के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, स्केलिंग। फिर इसको थोड़ा ऊपर ले भी सकते हैं, ओके। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 135 तक है, 0 से शुरू करना है, तो 20-20 के गैप में आप ले सकते हैं, कितने 20-20 के गैप में, और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छः, सात, आठ, इस तरह से आपने ले लिया। अभी इसमें नंबर्स लिखिए, यहाँ 0, ठीक है, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120, ये 140, ठीक है, ये 160, ठीक है। तो 160 तक हमने स्केलिंग ले लिया। अभी बार डायग्राम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 5th क्लास, ठीक है, मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा 5th लिख सकते हो। यहाँ 6th लिख लिया, यहाँ 7th लिख लिया, यहाँ 8th लिख लिया, यहाँ 9th लिख लिया, और यहाँ 10th लिख लिया, ठीक है। तो अभी बार डायग्राम कैसे बनाना है, 135 तक जाना है। 135 तक जाना है मतलब ये चार हिस्सा होना पड़ेगा इसको, तो अप्रोक्सीमेटली उसी हिसाब से आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, 1, 2, 3, ठीक है। मतलब ये 125, 130, 135, 140। तो पहला वाला 135 है, तो लगभग बार बार जो बनेगा वो लगभग यहाँ तक बनेगा, 40 से जो नीचे वाला लाइन है वहाँ तक बनेगा। उसी हिसाब से आपको हिसाब बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये आपका पहला बार हो गया 135, ठीक है, ये 135। नेक्स्ट है 6th क्लास में 120, तो 120 कहाँ होगा, ये सीधा लाइन है यहाँ, तो 120 सीधा सीधा, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो आप लोग सीधा बनाइए, ठीक है, ये मैं माउस से बना रहा हूँ तो इसीलिए टेढ़ा हो रहा है। तो आपका 120, ठीक है, ये 120 बिल्कुल सीधा हो गया। अभी दूसरा कलर थोड़ा चूज कर लेते हैं, हाँ। तो 7th क्लास का 95, 95 कहाँ पे होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मान लीजिए इसको भी चार हिस्सा करेंगे तो 85, 90, 95। तो 95 का इस लाइन के हिसाब से यहाँ फॉल करेगा, तो 7th का 95 आप यहाँ पे दिखा सकते हो, 95, ठीक है। बट आप स्केल यूज करके कीजिएगा तो बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए ये इस पे, ठीक है। तो फिर आपका 8th का आ गया, 8th का 100, 100 का दिया हुआ है, बिल्कुल लाइन के साथ मैच कीजिए, इससे थोड़ा ऊपर, तो ये आपका सीधा सीधा उसके ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उसका। अब 9th का है 90, 90 मतलब
इससे थोड़ा नीचे, ये जो सेकंड वाला लाइनिंग है ब्लू का, तो इससे थोड़ा नीचे, तो 90 यहाँ पे आपका फॉल करेगा, ठीक है। तो 90 यहाँ पे, तो टेंथ में कितना है, 80, 80 बिल्कुल लाइन के साथ है हमारा, तो 80 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका बार डायग्राम बन गया, ठीक है। हाउ वुड यू चूज द चूज अ स्केल, वी वुड चूज अ स्केल वर्टिकली, ये वर्टिकल लाइन के साथ है, विथ 20-20 स्पेसिंग, 20 नंबर ऑफ स्पेसिंग, ठीक है। सो विल राइट 20, 40, 60 सो दैट इट विल बी अकोमोडेट इजिली, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, चूज अ स्केल इन ए 20 स्पेस, 20 नंबर स्पेसिंग, विथ ए 20 नंबर स्पेसिंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बी का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किसका मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है 135, किसका है, फिफ्थ क्लास का, तो मैक्सिमम है फिफ्थ का विथ 135 स्टूडेंट्स, और मिनिमम कितना है, टेंथ का है विथ 80 स्टूडेंट्स, ओके। टेंथ का है 80 स्टूडेंट के साथ, टेंथ का है मिनिमम, ओके। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टू द क्लास एट, सिक्स और एट का रेशियो आप फाइंड आउट कीजिए, सिक्स का कितना है 120, ठीक है, और दूसरा है सिक्स टू दैट एट्थ, एट्थ का कितना है आप यहां देख सकते हो 100 है, ठीक है, तो 100 यहां पे लिख दो, तो रेशियो कितना बनेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो 12/10, 12/10 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए टू में, ठीक है, टू में डिवाइड कर दोनों को फिर कर देंगे तो कितना होगा 6/5, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेशियो 6:5, रेशियो इस तरह से लिखा जाता है, 6/5 मतलब 6:5 ही होता है, ठीक है, इस तरह से रेशियो को लिखा जाता है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सिक्स टू द स्टूडेंट ऑफ एट्थ, तो हो गया 120/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 0-0 कट जाएगा, फिर और टू से डिवाइड करने से 6/5, यानी कि 6:5, ओके, तो आंसर मिल गया दोनों का। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतने ही इजीली सॉल्व करेंगे, सारा सिंपल है, ओके। सो टिल देन इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।